नमस्कार, चाणक्य IAS एकेडमी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो की शुरुआत एक प्रश्न से करते हैं जिसका जवाब आपको देना है, और ये जवाब आप कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। सवाल यह है कि पॉलिटिकल राइट्स और सिविल लिबर्टीज, मतलब राजनीतिक अधिकार और नागरिक स्वतंत्रता, इन दोनों के मामले में भारत में वर्तमान में क्या स्थिति है। तो आपसे अपेक्षा है कि कमेंट सेक्शन में आप इसका जवाब दें। अब यह सवाल आपसे क्यों पूछा जा रहा है? यह सवाल आपसे इसलिए पूछा जा रहा है क्योंकि आज का टॉपिक है फ्रीडम हाउस द्वारा पब्लिश फ्रीडम इन द वर्ल्ड 2020। और इसे शुरुआत करने से पहले और इस पर विस्तार पूर्वक जानकारी प्राप्त करने से पहले इससे संबंधित जरा इस प्रश्न पर विचार कीजिए। प्रश्न जो आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, प्रश्न है कि फ्रीडम हाउस रिपोर्ट से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कथन पहला, भारत में पिछले 7 वर्षों से लोकतांत्रिक अधिकारों की स्थिति मजबूत हुई है। दूसरा कथन कि वैश्विक स्तर पर राजनीतिक अधिकारों एवं लोकतांत्रिक स्वतंत्रता के स्तर पर भी सुधार हुआ है। उपरोक्त में से सत्य कथन है। ऑप्शन ए केवल पहला, ऑप्शन बी केवल दूसरा, ऑप्शन सी पहला और दूसरा दोनों, और ऑप्शन डी ना पहला और ना ही दूसरा। तो कमेंट सेक्शन में आप हमें बताएंगे। अभी आप नहीं बता पाएंगे, इसका सही जवाब देने के लिए आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा, तभी आप निष्कर्ष पर पहुंचेंगे कि आखिर इस प्रश्न का सही जवाब क्या है। तो चलिए देते हैं विस्तार इस वीडियो को। यह जो रिपोर्ट फ्रीडम हाउस के द्वारा जारी किया गया है, इस रिपोर्ट को जिस शीर्षक के अंतर्गत जारी किया गया उसका नाम क्या है? उसका नाम है डेमोक्रेसी अंडर सीज, जिसके अंतर्गत विभिन्न देशों में इस बात का आकलन किया जाता है कि उन देशों की स्थिति राजनीतिक अधिकारों और नागरिक स्वतंत्रता इन दोनों आधारों पर कैसी है। तो इस रिपोर्ट को तैयार करने के लिए जिन मापकों की बात अभी हमने की, वो मापक कौन है? पहला राजनीतिक अधिकार और दूसरा नागरिक स्वतंत्रता। और इन दोनों के आधार पर जिन देशों में इसकी माप की जाती है उनको स्कोर दिया जाता है। तो कुल स्कोर कितना होता है? कुल स्कोर होता है 100। और इसमें से अगर राजनीतिक अधिकार और नागरिक स्वतंत्रता की हम बात करें तो देखें उनका भार कितना होता है। 100 में से राजनीतिक अधिकार की हम बात करें तो उसका भार है कितना? 40 अंक का। और नागरिक स्वतंत्रता की अगर हम बात करें तो उसका भार कितना है? 60 अंक का। और विभिन्न देशों के द्वारा जो स्कोर की प्राप्ति की जाती है वह 0 से 100 के बीच में होती है। अगर किसी देश के द्वारा 0 अंक प्राप्त किया जाता है, इसका मतलब है कि वह देश पूर्ण तानाशाह है। और अगर किसी देश के द्वारा 100 अंक की प्राप्ति की जाती है तो इसका अर्थ है कि वह देश एक मुक्त देश है, वह एक फ्री कंट्री है, मतलब वहां राजनीतिक अधिकारों एवं जो नागरिक स्वतंत्रता है उन नागरिक स्वतंत्रताओं का भी पूरा उपयोग वहां के लोग कर रहे हैं। और अगर किसी देश का स्कोर 0 से 100 के बीच में होता है तो फिर उसके लिए क्या है शब्द? आंशिक स्वतंत्र। अब यहां पर यह बात हमें याद रखनी है कि अगर किसी देश का स्कोर समय के साथ साथ 0 की ओर बढ़ रहा है, इसका मतलब वह देश एक फ्री कंट्री है। और अगर किसी देश का जो अंक है वह 0 की ओर जा रहा है, पीछे की ओर जा रहा है, इसका मतलब वो धीरे धीरे पूर्ण तानाशाह की ओर बढ़ रहा है। तो जो 2021 में रिपोर्ट जारी की गई है जिसका नाम है फ्रीडम इन द वर्ल्ड 2020, उसमें भारत ने कितना स्कोर प्राप्त किया है? तो भारत ने स्कोर प्राप्त किया कितना? 67। कितने में? कुल 100 अंक में। और भारत को किस प्रकार का दर्जा मिला है? भारत को दर्जा मिला है पार्टली फ्री, मतलब कि आंशिक रूप से मुक्त देश। इसमें पॉलिटिकल राइट्स में भारत का स्कोर है 40 में से 34 और सिविल लिबर्टीज में 60 में से 33। अगर पिछले साल से भारत की तुलना करें तो हम क्या देख रहे हैं कि भारत की स्थिति अच्छी हुई है या भारत की स्थिति कमजोर हुई है इन दोनों आधारों पर? तो हम यहां पर यह देख रहे हैं कि भारत की स्थिति कमजोर हुई है।
क्यों? क्योंकि पिछले साल कितना था? 71 अंक था और इस साल कितना है? 67। मतलब जो 4 अंक है, इस 4 अंक की गिरावट हुई। इतना ही नहीं, अगर पिछले साल की हम बात करें तो भारत का जो दर्जा था वह क्या था? वह फ्री कंट्री का दर्जा था। और इस जो वर्ष का सूचकांक जारी किया गया, जो रिपोर्ट जारी की गई, उसमें भारत को क्या दर्जा मिला है? पार्टली फ्री का दर्जा मिला है। वहीं अगर रैंकिंग की हम बात करें तो रैंकिंग में देखें कैसे 211 देशों में जो भारत की रैंकिंग वह कितनी है? 88। जबकि पिछले वर्ष भारत की रैंकिंग कितनी थी? वह थी 83। कितने में? 211 देशों में। आखिर क्या कारण है कि भारत को फ्री कंट्री से पार्टली फ्री कंट्री में कन्वर्ट कर दिया गया? आखिर उसके क्या कारण है? तो जरा इन कारणों पर हम गौर करते हैं। देखिए, इन दोनों आधारों पर, मतलब राजनीतिक अधिकार और नागरिक स्वतंत्रता, देखिए ये दो मुख्य आधार हैं और इसके अंतर्गत 25 कंपोनेंट या 25 घटकों को रखा गया है और उसी के आधार पर एक देश का आकलन किया जाता है कि वहां पर राजनीतिक अधिकार और नागरिक स्वतंत्रता की क्या स्थिति है। तो भारत को जो पार्टली फ्री कंट्री का दर्जा मिला है उसका कारण यह है, जैसा कि रिपोर्ट कहता है कि 2014 से लगातार भारत की स्थिति कमजोर हुई है, किनमें? राजनीतिक अधिकार और नागरिक स्वतंत्रता के मामले में। वहीं 2019 से यह जो गिरावट थी, इस गिरावट में तेजी आ गई है। तो अगर मैं खुले तौर पर बात करूं तो रिपोर्ट यह कहता है कि जो मौजूदा सरकार है, जब 2014 में पहली बार वो आई तब से गिरावट हो रही थी राजनीतिक अधिकार और नागरिक स्वतंत्रता में, लेकिन 2019 में जब यही सरकार दोबारा चुनकर आई तो तभी क्या देखा जा रहा है कि नागरिक अधिकार, राजनीतिक अधिकार और नागरिक स्वतंत्रता, इन दोनों आधारों पर यहां पर और तेज गिरावट देखी गई। कैसे? तो देखिए कैसे। पहला, मानवाधिकार संगठन पर दबाव बढ़ाया गया। दूसरा, पत्रकारों एवं कार्यकर्ताओं को धमकाया गया। और तीसरा, सरकार जो नीति और कानून का निर्माण कर रही है, अगर इसका विरोध किया जाता है तो इस तरह के विरोध को अनदेखा करती है कौन? सरकार। तो ये वो कारण है जिन कारणों के आधार पर रिपोर्ट में यह बात कही जा रही है कि 2014 से भारत में राजनीतिक अधिकार और नागरिक स्वतंत्रता में लगातार गिरावट हो रही है, जो 2019 के बाद से और तेज हुई है। वही आंशिक मुक्त करने का जो एक और कारण है वह यह है कि मुसलमानों के प्रति सरकार पूर्वाग्रह है, मतलब सरकार की एक नकारात्मक सोच है, जैसा कि रिपोर्ट में कहा गया है। वह किस आधार पे? तो जरा इन आधारों पे गौर करें। पहला, नागरिक संशोधन अधिनियम। हमें यह पता है कि नागरिक संशोधन अधिनियम के अंतर्गत अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से आए हुए जो वहां अल्पसंख्यक थे, मतलब वहां के हिंदू, सिख, क्रिश्चियन, पारसी, बौद्ध और जैन, जो वहां पर अल्पसंख्यक हैं, तो अगर धार्मिक उत्पीड़न या धार्मिक उत्पीड़न के डर से वो अगर हिंदुस्तान आए हैं तो उनको नागरिकता दी जाएगी नागरिकता संशोधन अधिनियम के अंतर्गत। इसमें मुसलमानों का जिक्र नहीं है। तो इस अधिनियम के विरोध करने वालों का यह कहना है कि सरकार मुसलमानों के प्रति पूर्वाग्रह है। वहीं विभिन्न राज्य सरकारों के द्वारा धर्मांतरण विरोध से संबंधित कानूनों का निर्माण किया गया है, जिसके अंतर्गत यह प्रावधान है कि अगर धर्म बदलने के उद्देश्य से विवाह किया जा रहा है तो फिर इस तरह के विवाह गैरकानूनी होंगे और फिर इसमें सजा दिए जाने का भी प्रावधान है। लोगों का यह कहना है कि कहीं ना कहीं यह जो कानून है, जो कानून यूपी और मतलब उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सरकारों के द्वारा यह कानून बना दी गई है और अन्य राज्यों में जो केंद्र में जो मौजूदा सरकार है, जिस दल की सरकार है उसी दल से संबंधित जो और राज्य है वहां पर जो सरकारें हैं वह भी इसी तरह के कानून लाने की सोच रही है। तो ये काफी हद तक एक सामान्य भाषा लव जिहाद, तो यह लव जिहाद के इर्द गिर्द है। तीसरा, लॉकडाउन में दुष्प्रचार। अगर आपको याद हो तो कोरोना महामारी के संक्रमण को रोकने के लिए जो लॉकडाउन लगाया गया था, उसी लॉकडाउन के दिनों में, उसी लॉकडाउन की अवधि में हमने यह भी देखा था कि एक खास धर्म, एक खास संप्रदाय, मतलब मुसलमानों की मैं बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पर यह लगा कि ये कोरोना महामारी को फैला रहे हैं। तो ये जो इस प्रकार का दुष्प्रचार किया गया एक खास धर्म के प्रति, तो उसके कारण भी भारत की जो रैंकिंग है उसमें गिरावट हुई है
एक फ्री कंट्री से भारत पार्टली फ्री कंट्री में तब्दील हुआ है। वहीं रिपोर्ट में यह बात भी कही गई है कि लॉकडाउन के दौरान जो बड़े पैमाने पर जो प्रवासी मजदूर हैं, उन प्रवासी मजदूरों का अपने गृह जिलों और अपने गृह राज्यों की ओर जो वो वापस आए, जिसे रिवर्स माइग्रेशन की संज्ञा दी जाती है, तो यहाँ जो रिवर्स माइग्रेशन हुआ और इस रिवर्स माइग्रेशन को रोकने के लिए जो सरकार की तरफ से तत्परता ना के बराबर दिखाई गई, उसके लिए भी सरकार की आलोचना की गई है। और ये कहा गया है कि इस रिवर्स माइग्रेशन के दौरान जो प्रवासी मजदूर थे, उन प्रवासी मजदूरों की स्थिति काफ़ी दयनीय हुई, उन्हें पैदल अपने घर को जाना पड़ा और इसी दौरान कई लोगों की मौतें भी हुई हैं। फिर आगे अगर हम देखें, न्यायपालिका की स्वतंत्रता भी प्रभावित हुई है, रिपोर्ट में यह कहना है। वह कैसे? तो रिपोर्ट के अनुसार रिटायर्ड मुख्य न्यायाधीश का राज्यसभा का सदस्य बनना, यहां पर यह दर्शाता है कि अगर सुप्रीम कोर्ट के अगर मुख्य न्यायाधीश बाद में अगर किसी भी पद पर जाते हैं, तो इसका मतलब यहां पर यह है कि जब वो मुख्य न्यायाधीश थे तब उन्होंने सरकार को खुश करने के लिए कई बड़े निर्णय लिए होंगे, तो इससे न्यायपालिका की निष्पक्षता भी प्रभावित होती है। फिर आगे दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का स्थानांतरण, मतलब ये उदाहरण दिए गए हैं। अब ये कहानी क्या है? ये कहानी यहां पर यह है कि जब पिछले साल दिल्ली में दंगे हुए और इस दंगे पर दिल्ली उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश ने जब पुलिस की खिंचाई की और जब उन्हें डांटा, तो फिर आनन फानन में उनका स्थानांतरण कर दिया गया। तो ये जो आधार है न्यायपालिका की स्वतंत्रता प्रभावित करने के, इसके कारण भी जो देश भारत है उसको फ्री से आंशिक मुक्त के स्तर पर लाया गया। आगे बात कही गई है इंटरनेट फ्रीडम की बात, तो इंटरनेट फ्रीडम में भी गिरावट आई है और रिपोर्ट के अनुसार लगातार तीसरे वर्ष इंटरनेट फ्रीडम में गिरावट आई है और उसका सबसे बड़ा एक उदाहरण है कहां? कश्मीर, जहां की कश्मीर में लंबे समय तक इंटरनेट बंद रहा। एक बात यहां पर गौर करने की है कि फ्रीडम हाउस के इस रिपोर्ट में कश्मीर को एक अलग एंटिटी, एक अलग टेरिटरी माना गया, एक अलग क्षेत्र माना गया है। और फिर इंटरनेट फ्रीडम में गिरावट के कई और उदाहरण, जिसमें एक है कंटेंट को ब्लॉक करना और ऑनलाइन रेगुलेशन को बढ़ाना या डिजिटल रेगुलेशन को बढ़ाना। फिर आगे कुल मिलाकर अगर भारत के संदर्भ की हम बात करें, तो रिपोर्ट में जो बात कही गई, जो आपकी स्क्रीन पर है, जरा उस पर आप गौर कीजिए क्या बात कही गई है, कि भारत ने वैश्विक स्तर पर एक लोकतांत्रिक लीडर के तौर पर काम करना छोड़ दिया है। एक तो यह आरोप लगा है और खासकर मौजूदा सरकार पर, और दूसरा कि सभी के लिए समान अधिकार और समावेश की कीमत, समावेश का मतलब सबको शामिल करने की, तो दोनों समान अधिकार और समावेश की कीमत, इन दोनों आधारों पर संकीर्ण हिंदू राष्ट्रवादी हितों को ऊपर उठाने का काम किया है। मतलब ये कि जो हिंदू राष्ट्रवाद है उसे सरकार ज्यादा तवज्जो दे रही है और इसमें समान अधिकार और जो समावेश है उसको सरकार तवज्जो नहीं दे रही है, उसकी कीमत पर यह कार्य कर रही है। तो यहां पर हमने बात की कि आखिर वो कौन कौन से प्रमुख आधार हैं जिसके कारण भारत का दर्जा मुक्त से आंशिक मुक्त की ओर हो गया। अब जरा वैश्विक स्थिति पर नजर डालते हैं। वैश्विक स्थिति पर देखिए, 100 में से 100 अंक लाने वाले देश कौन कौन से हैं, मतलब मुक्त देश, जहां पर पॉलिटिकल राइट्स और सिविल लिबर्टीज, इन दोनों की स्थिति बहुत ही अच्छी है, वह है फिनलैंड, नॉर्वे और स्वीडन। जबकि 1 अंक लाने वाले देश कौन कौन से हैं? तिब्बत और सीरिया। वहीं इस रिपोर्ट में चीन और अमेरिका, इन दोनों की भी चर्चा की गई। चीन के लिए स्पष्ट तौर से यह बात कही गई कि लोकतंत्र एवं नागरिक आजादी की अगर बात करें तो चीन में सबसे बुरा है। और फिर अमेरिका में, या अमेरिका के संदर्भ में यह बात कही गई है कि ट्रंप शासन के दौरान यहां पर लोकतंत्र में गिरावट आई है। फिर वहीं वैश्विक स्थिति में अगर हम आगे देखें, तो रिपोर्ट में यह बात कही गई है कि अंतिम 15 वर्षों में लोकतंत्र में लगातार गिरावट आ रही है। और यह भी बात कही गई कि वैश्विक आबादी का 75% जो हिस्सा है वह ऐसे देशों में रह रहा है जहां पर लोकतंत्र में गिरावट है, जबकि 20% जो वैश्विक आबादी है वह उदार लोकतंत्र वाले देशों में रह रही है। वहीं रिपोर्ट में यह बात भी कही गई कि 15 वर्षों से अगर लोकतंत्र की स्थिति पर हम देखें तो उसमें गिरावट तो जरूर हो रही है, लेकिन 2020 की अगर हम बात करें तो 2020 में सबसे खराब स्थिति रही है लोकतंत्र के गिरावट के संदर्भ में। इसीलिए 2020 के लिए उन्होंने शब्द यूज किया है जिसका नाम है लोकतंत्र मंदी।
मतलब डेमोक्रेटिक रिसेशन। तो इस वीडियो में हमने क्या देखा, इस वीडियो के अंतर्गत जो मुख्य रूप से हमने देखा यह कि फ्रीडम हाउस के द्वारा जो फ्रीडम इन द वर्ल्ड 2021 यह रिपोर्ट प्रस्तुत की गई, उसमें भारत की स्थिति पिछले वर्ष के मुकाबले कमतर हुई है और राजनीतिक अगर हम पॉलिटिकल राइट्स और सिविल लिबर्टीज अगर हम इन दोनों की बात करें तो इन दोनों स्तरों पर भारत की स्थिति कमजोर हुई है। अब आशा करता हूं कि आपको आपके प्रश्न का जवाब मिल गया होगा। तो कमेंट सेक्शन में आप हमें जो प्रश्न मैंने अभी पूछा, दोनों तरह के मतलब सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव, इन दोनों प्रश्नों का जवाब आप कमेंट सेक्शन में दें और आप हमें यह बताएं कि उसका सही जवाब क्या है। अगर आपको हमारा यह कार्य अच्छा लगता है, प्रशंसनीय लगता है, तो इसे भी कमेंट सेक्शन में आप हमें अवगत कराएं। इसके साथ ही इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ। नमस्कार। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू नेवर मिस एन अपडेट।